दिवाली तो ये कार्ड्स खेलते हैं मैं देखती हूँ और दिवाली एक ही तो टाइम है हम लोग को जहाँ पर सब दोस्तों के साथ मिलके गप्पे मारना है एंजॉय करना है बस वही एक अच्छा इट्स अ गुड फेस्टिवल इट्स वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स व्हाट आई एंजॉय आई लाइक दिवाली आई लाइक द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स सो आई गेट टेरिबली बोर्ड बट आई लाइक ड्रेसिंग अप एंड गोइंग फॉर ऑल द पार्टीज विद हिम हाई दिस इज एशा दियोल तख्तानी एंड आई एम विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी एंड हैव अ सुपर सुपर लवली ईयर अहेड तो हाउसफुल 4 देखे दिवाली उनके स्पेशल कर दी है लेकिन आप सभी की दिवाली कैसे स्पेशल होने वाली है क्या कुछ करने वाले हैं चंकी जो है ये हमेशा पटाखे फोड़ने की बातें करता है इसको अभी पिछले इंटरव्यू में समझाया कि नहीं पटाखे मत फोड़ा करे बार बार कहता है मैं उनको आग लगा दूंगा ये पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है भाड़ूंगा लक्ष्मी बम नहीं वो तो रुक गया लक्ष्मी बम बाद में आ रही है रुक जाओ नहीं लक्ष्मी बम क्या जरूरत है हम सबका यही कहना है कि क्रैकर्स मत बंद करें और हम ये मानते हैं कि मैंने देखा है मैं मुंबई में करीबन 42 ईयर्स हो गए हैं 45 ईयर्स हो गए रहते हुए पहले इतने क्रैकर्स लोग जलाते थे अब आहिस्ते आहिस्ते काफ़ी कम हो गए अब आधे से भी ज़्यादा लोग कम क्रैकर्स जलाते हैं एंड आई होप जैसे जैसे जा रहे हैं जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि नहीं जलाना चाहिए खास करके जैसे बता रही थी कि जानवरों को बहुत असर पड़ता है तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शगुन के लिए करना तो एक फुलझड़ी जला लो दैट्स इट उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बाकी आप रंगोली बनाए आप बैठ के दिया का कमाल है वो चकलियाँ बनाती है और क्या दिया जलाएं पूजा करें और ताश खेलें और हाउसफुल देखिए लक्ष्मी की पूजा अक्षय सर हाउसफुल और जो चंकी बोले उसकी बात मत करो हाय एवरीवन दिस इज तारा सितारिया विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली लॉट्स ऑफ लव हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी आउट देयर मे लक्ष्मी बी ऑन योर साइड दिवाली के हमारे प्लान्स तो वैसे ही रहते हैं कि हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि लोग अक्सर बहुत उम्दा दिवाली मनाते हैं पार्टीज रखते हैं फायरवर्क्स डिस्प्ले होते हैं हमारे यहाँ दिवाली मनाते हैं हम लोगों की जीवन में प्रकाश लेकर लाकर और गरीबों की मदद करके तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है दिवाली मनाने का रोशनी वाकई में फैलाने का और घर पर दिवाली के दिन तो परिवार के साथ एंजॉय करेंगे बच्चे एंजॉय करेंगे हमारा तो बहुत सिंपल फैमिली अफेयर रहता है तो वैसे ही मनाएंगे दिवाली खूब दिए जलाएंगे दिवाली यूजुअली वही होता है यूजुअली यू नो ताश पार्टीज होती हैं एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी मस्ती होगी थोड़े बहुत पटाखे फोड़ेंगे लोग हमेशा कहते हैं बिल्कुल नहीं फोड़ने चाहिए क्रैकर फ्री दिवाली मैं भी काफ़ी बार कहता हूँ कि क्रैकर फ्री दिवाली होनी चाहिए बट आई थिंक जस्ट फॉर द नेम से एक फुलझड़ी जला दो एक छोटा सा यू नो एक पटाखा जला दो सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट दिवाली विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अच्छा सा खाना खूब सारा खाना बहुत सारी ताश एंड थोड़े बहुत पटाखे पहली बात तो डिम डिम लाइट ही रखेंगे घर में रोमांटिक सा मूड बना के रखेंगे दिवाली वाले लाइट डालेंगे पर ज़्यादा लाइट हमें चाहिए नहीं इसके लिए पटाखे तो मैं तो नहीं फोड़ूंगा भाई आप हाँ बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट फॉर द पीपल फॉर यस इट्स गोना बी अ डिम डिम हैप्पी दिवाली दिवाली तो हर रोज़ कहीं ना कहीं लोग बुला रखे हैं कहीं ना कहीं जाना है मतलब अपने खास दोस्तों के चाहे वो शबाना जावेद हो जावेद साहब हो या अनिल कपूर हो हर रोज़ कहीं ना कहीं दिवाली मनाई जा रही है तो मेरे को लगता है कि अब अगला हफ्ता जो है इसी में जाएगा सर और ऑफ कोर्स पूजा घर पे पूजा होगी